हर रोज हम एक 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 नई नई दवाई के ऊपर चर्चा करते जा रहे हैं, और आज का दवाई है फ्लोरिक एसिड। सो क्या जानते हैं आप फ्लोरिक एसिड के बारे में? कब कब फ्लोरिक एसिड यूज होना चाहिए? कौन कौन सी पैथोलॉजी में फ्लोरिक एसिड यूज किया जाता है? यही होम्योपैथी की ब्यूटी है ना। हम जिसे एसिड बोलते हैं, कोरोजिव एसिड्स बोलते हैं, उनमें से भी अच्छी अच्छी दवाइयां बनती हैं और हमें बहुत से रोगों में ठीक करने को काम आती हैं। तो क्या जानते हैं आप में से कोई फ्लोरिक एसिड के बारे में? यस, वेरी गुड। हॉट और थर्स्टी, थर्स्टी ऑफेंसिव, कैरीज ऑफ टीथ। यस राइट, वेरी गुड। ऐसा हमें नहीं आता है यार। कौन सी रेमेडीज सोरी होती हैं, कौन सी सिफिलिटिक होती हैं, हमें नहीं मालूम है। सॉरी। हाँ, तो डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं ना, लाइक कैरीज ऑफ टीथ हैं, डिस्ट्रक्शन है, ऐसा हो सकता है। सिफिलिटिक हमें नहीं मालूम। क्लियर? तो हम आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं फ्लोरिक एसिड के साथ। हर बार जिस तरीके से हम अपनी मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं, उसी तरीके से पहला इंडिकेशन हॉट, दूसरा इंडिकेशन थर्स्टी, थर्स्ट फॉर कोल्ड ड्रिंक्स। सो हॉट पेशेंट थर्स्ट फॉर कोल्ड ड्रिंक्स एंड राइट साइडेड कंप्लेन, तीसरा इंडिकेशन। अब हमारे पास कोई मरीज आता है जिसको राइट साइडेड कंप्लेन है, कोल्ड वाटर डिजायर है और चिली पेशेंट है, तो कौन सा मेडिसिन सोचना है? यस, वेरी गुड, फास्फोरस सोचना है। और अगर वो हॉट पेशेंट हुआ तो? यस वेरी गुड, फ्लोरिक एसिड सोचना है। स्लो डीपली डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, कैरीज ऑफ लॉन्ग बोन, अल्सरेशन, वेरिकोसाइट्स, टिश्यू इंड्यूरेशन एंड फिस्टुलस। सो फिस्टुला हो सकते हैं, वेरिकोज वेन हो सकते हैं, वेरिकोज अल्सर हो सकते हैं, कैरीज ऑफ लॉन्ग बोन, कैरीज ऑफ टीथ, कोई भी दिक्कतें होती हैं। और अगर पेशेंट हमें राइट साइडेड अफेक्शन ज्यादा मिलता है, कोल्ड वाटर की थर्स्ट मिलती है और हॉट पेशेंट है, तो हम वहां पे फ्लोरिक एसिड सोच सकते हैं। हमने बहुत प्रिस्क्रिप्शन नहीं किए हैं, एकाध दो तीन चार केसेस के अंदर प्रिस्क्रिप्शन हुआ है फ्लोरिक एसिड का। एक हमारे पास थायराइड का पेशेंट था, उस हाइपरथायरॉयडिज्म और कैरीज ऑफ टीथ, स्पेशली राइट साइडेड टीथ कैरीज हो चुके थे, हॉट पेशेंट थे, और वहां पे हमने फ्लोरिक एसिड का प्रिस्क्रिप्शन किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसी तरीके से आपके पास पेशेंट आता है, वेरिकोज अल्सर है, नॉन हीलिंग अल्सर है, राइट साइडेड अल्सर है और कोल्ड ड्रिंक डिजायर है और हॉट पेशेंट है, तो कौन सी दवा सोच सकते हैं? फ्लोरिक एसिड ना। और अगर चिली पेशेंट है तो अल्सर में से खून निकलता है, वेरिकोज अल्सर है, राइट साइडेड लेग पे है, चिली पेशेंट है, फर्स्ट फॉर कोल्ड ड्रिंक है। यस फास्फोरस। अब उसी वेरिकोज अल्सर के अंदर कोल्ड ड्रिंक डिजायर नहीं है और ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, चिली पेशेंट है, राइट साइडेड वेरिकोज अल्सर है और बर्निंग हो रहा है। यस वेरी गुड। अगर लेफ्ट साइडेड होए, हॉट है, थर्स्टी है, तो यस वेरी गुड, लैकेसिस, सल्फर, इस तरीके की मेडिसिन सोच जानी चाहिए। क्लियर? सो किसी जरूरी नहीं है अल्सर ही हो, और कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं। टिश्यू इंड्यूरेशन, इंड्यूरेशन का मतलब क्या है? जमा हो जाना, गांठ पड़ जाना, हार्ड बन जाना। सो ट्यूमर्स हैं, गोइटर्स हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो वहां पे भी हम एसिड फ्लोर सोच सकते हैं। सो लाइपोमा का पेशेंट है,
और उसको साथ में कैरीज ऑफ टीथ भी है, राइट साइडेड हैंड के ऊपर मल्टीपल लाइप, राइट साइडेड अपर लिम के अंदर मल्टीपल लाइपोमास है, कोल्ड ड्रिंक डिजायर है और हॉट पेशेंट है, तो वहां पे कौन सी मेडिसिन सोच सकते हैं? यस, वेरी गुड वेरी गुड, एसिड फ्लोर। इसी तरीके से अगर कैंसर हो तो एसिड फ्लोर सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? वहां पे कैंसर की दवाई अलग होती है, सोच सकते हैं ना? वेरी गुड। डिस्चार्ज कैसा है? कौन थे जिनको हमने होमवर्क दिया था डिस्चार्ज का? डिस्चार्ज फाउल, थिन, एक्रिड एंड कॉपियस। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, थिन है और एक्रिड है। एक्रिड का मतलब क्या होगा? जलन करने वाला, वहां पे टिश्यूज को तकलीफ करने वाला। कॉपियस मतलब ज्यादा। टंग फिसर्ड इन ऑल डायरेक्शन, डिस्टॉर्टेड नेल एंड फेलोन। टंग ऑल डायरेक्शन में हमें फिसर्ड मिलता है, अगर फिसर्ड टंग मिले तो वहां पे एसिड फ्लोर सोचना है। आप में से कोई है जो टंग के ऊपर होमवर्क करके दे सकता है? नहीं है, चलो। टंग फिसर्ड इन ऑल डायरेक्शन, नेल डिस्टॉर्टेड है, मतलब नेल अपने जो शेप होना चाहिए उससे अलग हो चुके हैं, वो फंगस की वजह से भी हो सकते हैं, ऑटो इम्यून की वजह से भी हो सकते हैं और किसी कारण से भी हो सकते हैं, ठीक है। और लाइक सोरियासिस का पेशेंट है, स्पेशली नेल सोरियासिस है, राइट साइडेड लेग और हैंड के अंदर ज्यादा है और नेल डिस्टॉर्टेड हो चुके हैं, थर्स्टी पेशेंट है, हॉट पेशेंट है, मेडिसिन कैन बी एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर मालूम चल रहा है किस तरीके से सोचना है? एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर एंड एंजॉयमेंट। अब ऐसा तो मरीज अगर हमें आके सामने से बोलता है तो मिलता है, बाकी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसका सेक्सुअल डिजायर एक्सेसिव है और किसका नहीं है? लेकिन मरीज को फील हो रहा है कि मेरा डिजायर बहुत एक्सेसिव है और वो बोल रहा है, तब हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। फॉलिंग ऑफ हेयर, एलोपेसिया, लोजी हेयर। सो एलोपेसिया है, इवन बाल्ड में भी, बाल्ड में क्या, बियर्ड में भी राइट साइडेड पैचिस हो चुके हैं, हॉट पेशेंट है, कैरीज ऑफ टीथ है, थर्स्टी है, तो मेडिसिन कैन बी, अगर लेफ्ट साइडेड है तो राइट साइडेड में एसिड फ्लोर, लेफ्ट साइडेड है तो नेट्रम्यूर, सल्फर, क्लियर। फ्रीक्वेंट फ्लैटस एंड इरेक्टेशन रिलीव्स। अब फ्लैटस और इरेक्टेशन रिलीव हो रहे हैं तो इसको हम कैसे कंसाइडर कर सकते हैं कि डिस्चार्ज एमिलियोरेट्स। मालूम चल रहा है एसिड फ्लोर को कैसे सोचना है? राइट साइडेड लैकेसिस, क्लियर हो रहा है? डिस्चार्ज एमिलियोरेट, कोई भी डिस्चार्ज अगर निकलने के बाद अच्छा लग रहा है, राइट साइडेड कंप्लेंट है, डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, फिशर्ड टंग है, एलोपेसिया है, थर्स्टी है, हॉट है, तो वहां पे एसिड फ्लोर सोचा जाना चाहिए। अब ऐसी ही कंप्लेंट अगर लेफ्ट साइडेड हो तो वहां पे लैकेसिस सोचा जाना चाहिए। हो रहा है क्लियर? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? वन साइडेड स्वेट। सो एक बाजू पसीना होता है, एक बाजू पसीना नहीं होता है, या तो वन साइडेड कंप्लेंट, एक बाजू कंप्लेंट होती है एक बाजू नहीं होती है। माइग्रेन है, राइट साइडेड माइग्रेन है, कैरीज ऑफ टीथ आपको देखने को मिल रहा है, कैरीज ऑफ टीथ देखने को मिल रहा है, वेरिकोज वेन का भी दिक्कत है, हॉट पेशेंट है, थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर है, और सिर्फ राइट साइडेड हेड पेन ही होता है, तो वहां पे भी एसिड फ्लोर सोचा जाना चाहिए। दूसरी मेडिसिन पल्सेटिला और लाइकोपोडियम है। सो आप वन साइडेड स्वेट या वन साइडेड कंप्लेन करके इसके सामने अपनी मेडिसिन लिखते जाइए। गुप्ता जी ने अपना काम बहुत बखूबी शुरू किया है, हम उनको अप्रिसिएट करते हैं।
एप्रिशिएट कर रहे हैं। गनोइंग हंगर, ये आपका होमवर्क है, आपको ढूंढना है गनोइंग हंगर का मतलब क्या होता है। यंग पीपल लुक्स टू ओल्ड, जिसको बोला जाता है प्रीमेच्योर ओल्ड। अब प्रीमेच्योर ओल्ड किसे कहते हैं वो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो दूसरी मेडिसिन आप देखेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। रैपिड कैरीज ऑफ टीथ, छोटा बच्चा आता है, सारे दांत सड़ चुके हैं, राइट साइडेड ज्यादा सड़ चुके हैं, बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पीता है और हॉट है, तो वहां पे भी हम एसिड फ्लोर सोच सकते हैं। एक्सोस्टोसिस ऑफ द बोन्स, बोन के अंदर कैरीज मिलना, दूसरा मेडिसिन है हेकला लावा। एलिमेंट्स फ्रॉम डिबाउचरी, मतलब इंक्रीज्ड सेक्सुअल डिजायर। यस वेरी गुड, डिबाउचरी का मीनिंग है एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर और हाई सेक्सुअल डिजायर। इंक्रीज सो सेक्सुअलिटी के बाद, इंटरकोर्स के बाद या बहुत मास्टरबेशन के बाद, इस तरीके की किसी भी तकलीफ के बाद अगर तकलीफें शुरू होती हैं तो वहां पे हम एसिड फ्लोर सोच सकते हैं। दूसरे कौन सी मेडिसिन सोच सकते हैं? लाइकोपोडियम, यस, सिलेनियम, स्टेफिस एग्रिया, एग्नस कैस्टस, यस। इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर इन ओल्ड मैन, वायलेंट इरेक्शन एट द नाइट, निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया का मतलब वही है एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, और वायलेंट इरेक्शन एट नाइट, नाइट में वायलेंट इरेक्शन होने लगते हैं। सो एग्रेवेशन एट द नाइट, इसको जनरलाइज करके हम ले सकते हैं। मेंसिस टू अर्ली, कॉपियस एंड टू लॉन्ग। अर्ली हो तो भी एसिड फ्लोर सोचा जाना चाहिए, कॉपियस हो तो भी सोच सकते हैं, लॉन्ग हो तो भी, मतलब ज्यादा दिनों तक रहे तो भी सोच सकते हैं। इसके हिसाब से हम ब्लीडिंग टेंडेंसी या ब्लीडिंग डायथिसिस ले सकते हैं। किसी भी कंप्लेन में अगर हमें डिस्ट्रक्शन के साथ ब्लीडिंग मिले, हॉट पेशेंट मिले और प्रीमेच्योर ओल्डनेस मिले, तो वहां पे भी एसिड फ्लोर सोचा जाना चाहिए। Stunning headache, amelioration by the urination. All complaint ameliorate by discharge. Again, मालूम चल रहा है generalization कितना बढ़िया है। Bonny Cushion हमें कौन सा master key दे के गए हैं? Dentition late, teeth decayed rapidly at the root, saliva increase. दूसरा कौन सा medicine है? Caries at root. Creosote or Syphilinum, Mejerium, Thuja, Staphys agria, Creosote. ये सारी मेडिसिन पढ़ना, ये आपका होमवर्क है। इसमें डेंटल कैरीज के कौन कौन से इंडिकेशन दिए हुए हैं। वार्म ड्रिंक एंड साल्मन प्रोड्यूस द डायरिया, कुछ भी गर्म खाने के बाद अगर डायरिया होने लगे तो भी हम एसिड फ्लोर सोच सकते हैं। प्रोस्ट्रूशन ऑफ हेमरॉइड्स आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफी, सो प्रोट्रूडेड हेमरॉइड्स मिले वहां पे भी एसिड फ्लोर सोचना है, थर्ड फोर्थ डिग्री के हेमरॉइड्स एलोज की तरह। और कॉफी एग्रावेशन, इसको जनरलाइज करके लिया जा सकता है, कोई भी दिक्कत अगर कॉफी के बाद बढ़ जाए तो वहां पे भी एसिड फ्लोर सोचा जा सकता है। डॉक्टर साहब कल कॉफी पी ली और उसके बाद सिर दर्द शुरू हुआ है, राइट साइडेड सिर दर्द है, और आपने मुंह को एग्जामिन किया तो वहां पे आपको डेंटल कैरीज देखने को मिले, हॉट पेशेंट है, तो वहां पे एसिड फ्लोर दिया जा सकता है। हेमोरॉइड्स हैं कॉफी पीने के बाद, डॉक्टर साहब बाहर आ रहे हैं, हॉट पेशेंट है, कोल्ड ड्रिंक डिजायर है, तो वहां पे भी एसिड फ्लोर दिया जा सकता है। वेरिकोज वेन है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है, मेंसिस टू कॉपियस टू अर्ली है, तो वहां पे भी एसिड फ्लोर दिया जा सकता है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग विथ अल्टरेशन विद द मेनोरेजिया, प्रोट्रूडिंग हेमरॉइड्स में दूसरे कौन कौन से मेडिसिन सोच सकते हैं?
ट्रिक ना, यस एलोस और कलकेरिया का, बराइटा का, सेपिया, लाइकोपोडियम, थुजा भी सोच सकते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग विथ और अल्टरेशन विथ मेट्रोरेजिया, सो ब्लीडिंग के साथ कोई भी कंप्लेन अगर एसोसिएटेड है तो वहां पे भी हम एसिड फ्लोर सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है मेट्रोरेजिया के साथ ही हो, या तो अल्टरनेटिंग कंप्लेन मिले, कुछ दिन ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो दूसरी कंप्लेन शुरू हो। अगेन ब्लीडिंग क्या है, मेट्रोरेजिया क्या है, डिस्चार्ज है ना, तो डिस्चार्ज एमिलियोरेट। समझ में आ रहा है हम जो बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो? यस लेकेसिस है, लेकिन वही बात हम आपको समझा रहे हैं कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग विथ और अल्टरेशन विथ मेट्रोरेजिया, सो अल्टरनेटिंग विथ मेट्रोरेजिया, मालूम चल रहा है मेट्रोरेजिया होगा तब डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग अच्छा होगा, और मेट्रोरेजिया मतलब ब्लीडिंग बंद हो जाएगा तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी शुरू होगा। मतलब जब तक कहीं से भी डिस्चार्ज है तब तक कोई भी कंप्लेंट अच्छा रहता है या कम रहता है, डिस्चार्ज को बंद किया और दिक्कतें शुरू हो गई, वहां पे भी एसिड फ्लोर सोचा जाना चाहिए। सो एलमेंट आफ्टर सप्रेस्ड डिस्चार्ज और सप्रेस्ड इरप्शन मिले तब भी हम एसिड फ्लोर सोच सकते हैं। क्लियर? ऑपरेशन ऑफ द चेस्ट अमिलोरेट बाय द बेंडिंग बैक, सांस फूल गई है, दिक्कत हो रही है, लेकिन बैक साइड अमिलो बेंड होता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। पाम स्वेटी एंड हॉट, कांस्टेंट रेडनेस ऑफ द हैंड्स, सो स्वेटी पाम्स के अंदर और कौन कौन सी मेडिसिन हैं? यस सिलिसिया सल्फर, कलकेरिया का, फील्स एज इफ बर्निंग वेपर इज एमिटेड फ्रॉम द पोर्स ऑफ द बॉडी, इतनी हॉटनेस, इतनी हीट है कि लगता है कि मेरे सारे प्रस्वेद छिद्रों के अंदर से बर्निंग वेपर निकल रही है, तो वहां पे भी हम एसिड फ्लोर सोच सकते हैं। क्लियर? इतने में किसी को कुछ ना समझ आया हो, पैथोलॉजी का नाम थायराइड हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, अल्सर हो सकता है, वेरिकोज वेन हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर? थिन कॉपियस ऑफेंसिव ब्लीडिंग डिस्चार्ज, डिजायर फॉर पंजट थिंग, स्पाइसी थिंग, हाईली सीजनेबल सीजनड फूड, कोल्ड ड्रिंक डिजायर, स्पाइसी डिजायर, एवर्जन टू कॉफी एंड वार्म ड्रिंक्स। आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं, आए हैं, ठंड का मौसम है, आप पूछेंगे क्या लेंगे, चाय, कॉफी ठंडा, और मेहमान बैठा नहीं जा रहा है, वो बोल रहे हैं पाइल्स का दिक्कत हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मुरे को बैठा नहीं जा रहा है, बोलेंगे नहीं 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 कॉफी तो नहीं चाहिए, कॉफी तो नहीं चाहिए, ठंडा बनाओ। मेडिसिन कैन बी यस वेरी गुड, कहां पे आपको केस लेने का जरूरत पड़ा, जरूरी थोड़े ही है 2-3-4-5 घंटे हर बार केस लेना है। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होम्योपैथी को पहुंचा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इजीली होम्योपैथी कर पाएंगे, तब जाके घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी हो पाएगा। कई बार डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है कि हर रोज व्याख्यान का समय निर्धारित कर दिया गया है, तकरीबन 1500 लोगों तक लिंक पहुंचा रहे हैं और उसमें से 15 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, सो 100 में से एक लोग ज्वाइन होता है। कब हम होम्योपैथी को घर घर तक पहुंचा पाएंगे? गुरुकुल का पूरा सिस्टम निशुल्क है, हर व्यक्ति को पर्सनल ध्यान देके गाइडेंस दिया जाता है, हर रोज 2 व्याख्यान है, गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, 90 मेडिसिन का व्याख्यान ऑलरेडी अपलोडेड है, होमवर्क दिया जा चुका है, फिर भी कितने लोग करते हैं? बहुत कम। कई बार हमें भी डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है, इंसान है ना, क्या करें। सो क्लियर? मोडालिटीज, एग्रावेशन फ्रॉम हीट ऑफ द रूम, नाइट एंड अल्कोहल, सोर फूट, एमिलोरेशन फ्रॉम कोल्ड बाथिंग, रैपिड मोशन एमिलोरेट, सो रस्टॉक्स लाइक मोडालिटी इन द जॉइंट पेन, हॉट पेशेंट, तो एसिड फ्लोर हमने एक पेशेंट के अंदर प्रिस्क्राइब किया था और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हैं। शॉर्ट स्लीप, आपके पास लंबर स्पॉन्डोलाइसिस का मरीज आते हैं, राइट साइडेड पेन हो रहा है, MRI के अंदर देखा तो वहां पे कैल्शियम डिपोजिशन देखने को मिल रहा है,
कोल्ड ड्रिंक डिजायर है और रैपिड मोशन करने से या बैक साइड बेंडिंग होने से एमुलरेशन मिलता है तो हॉट पेशेंट हो तो वहां पे भी एसिड फ्लोर प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। क्लियर। माइंड एवर्जन टू हिज ओन फैमिली, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मास्टरबेशन, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, इंपल्स टू वॉक फास्ट, नेसेसिटी टू बी ऑलवेज वॉक फास्ट, ज्यादा तेजी से चलने का, सो पार्किंसोनिज्म का मरीज आता है, राइट साइडेड पार्किंसोनिज्म ज्यादा है, कोल्ड ड्रिंक डिजायर है, कैरीज ऑफ टीथ देखने को मिल रहे हैं, या तो वेरिकोज वेन या वेरिकोज अल्सर है, या तो मास्टरबेशन का या एक्सेसिव सेक्सुअल हिस्ट्री मिलता है, हॉट पेशेंट है तो वहां पे भी हम एसिड फ्लोर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डेल्यूजन मस्ट डिसॉल्व मैरिज, डिप्रेशन ऑफ द माइंड, लिबर्टिज्म, इनएबिलिटी टू रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रावेशन, इनएबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई ना, उसके बाद दिक्कतें शुरू हो गई, पापा का देहांत हो गया ना तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई, डॉक्टर साहब ये तो है ना कुछ जिम्मेदारी निभाते ही नहीं है, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आनी पड़ती है, डॉक्टर साहब मेरी वाइफ है ना बच्चों की जिम्मेदारी नहीं निभाती है, सुबह उठाने से लेके उनको ब्रश कराने से लेके बाल कंघी कर देता हूँ और स्कूल में ही छोड़ने जाता हूँ, क्या करूँ, ऐसा कुछ देखने को मिले तो उसको इनएबिलिटी टू रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कहा जाता है, ऐसी कंडीशन भी देखने को मिले तो वहां पे भी हम एसिड फ्लोर सोच सकते हैं। तो ये था फ्लोरिक एसिड प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका, कब कब कैसे कैसे किन किन सिम्टम के बेस के ऊपर सब पैथोलॉजिस्ट के अंदर हम फ्लोरिक एसिड सोच सकते हैं। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, जुड़े रहिए गुरुकुल के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोग गुरुकुल की तरफ आए तब जाके हम घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी पहुंचा पाएंगे। किसी को कोई